दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा। दोस्तों आज मैं आया हूँ लुधियाना किसान मेले के अंदर, और दोस्तों यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्प्रेमैन कंपनी का जो यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, और बहुत ही शानदार आपको ये अलग अलग नई तकनीक की आपको मशीनें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और हर्ष भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कंपनी के मालिक हैं, और एक एक इम्प्लीमेंट की जानकारी मैं पूरे इनकी शॉप की जानकारी लूंगा आप इनसे जो है, और इनकी कंपनी कहाँ पर है सबसे पहले परिचय करते हैं। नमस्कार हर्ष भाई। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम है हर्ष गर्ग का, मेरी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर्स जी। स्प्रे मैन हमारी कंपनी का ब्रांड है। हम जो है तरह तरह के कृषि यंत्र जो है वो बनाते हैं जी। तो आज जो है 2023 का जनवरी महीने का कृषि मेला है, जिसके अंदर हम जो है तरह तरह के नई मशीनें किसानों के लिए लेके आए हैं, प्रस्तुत करी है, तो उनको दिखाते हुए जो आज हम किसानों का जो है यहाँ पे आए हैं, तो उनको कुछ दिखाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे छोटे किसान होते हैं, ये आपकी छोटू वीडर है आपका, ये बहुत ही शानदार है, गजब लग रहा है, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये छोटू वीडर है जो वो हमारा 3 HP का है जी, 3 HP का जी, इसमें 68 CC का इंजन लगा हुआ है। अच्छा। और जो है इसकी मात्र कीमत 21,500 है जी। चौड़ाई इसकी 1.5 फुट की रोटावेटर की है, गहराई इसकी 4 इंच की है जी, और 1 घंटे का 1 लीटर पेट्रोल लेता है, और 3 घंटे में 1 एकड़ की जुताई कर देता है। अच्छा, जैसे कि हमारे तरफ मेहनती की खेती होती है, तो वो इस तरीके से होती है, मतलब गहल भाई गहल, तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार, ये बहुत बढ़िया काम करेगा जी। 17 इंच के अंदर काम करता है, बहुत ही बढ़िया जुताई वगैरह, ये मिट्टी की बारीक जुताई करता है। और ये तो आपने बिल्कुल नया लॉन्च किया है ये जो है जी जी, इसके बारे में बताइए। ये तो वीडर बहुत ही गजब लग रहा है जो है। ये 5.5 HP का 4-स्ट्रोक मॉडल है, जिसके अंदर जो है 150 CC का सुपर स्प्लेंडर का इंजन हमने इसके अंदर लगाया है। अच्छा। गियर वाला मॉडल है, 2 गियर आगे के है, 1 फॉरवर्ड 2 फॉरवर्ड है, क्लच सिस्टम है, 4 स्ट्रोक है, तो पेट्रोल में कोई ट्यूटियल नहीं मिलाना, वजन मात्र 35 किलो है जी। एरिया जो लेके जाएगा कम से कम 13.5 इंच, ज्यादा से ज्यादा 2 फीट लेके जाता है। अच्छा। और जो है इसकी जो आती है एवरेज, वो 1 घंटे का मात्र आधा लीटर पेट्रोल लेता है। अच्छा, अब सर जैसे कि लोग बागवानी खेती करते हैं, और मेरे एरिया में जो है गन्ने की खेती बहुत होती है, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये बैक रोटरी सेगमेंट में है ये, इसके बारे में बताइए सर। बैक रोटरी में अभी हमने जो है 850 हमारा लेटेस्ट जो मॉडल था वो लॉन्च करा है, 830, 840, 870 तो किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर है जी। हमारे पास तो कर्नाटका, केरला, यूपी, बिहार से बहुत किसान भाई हमें फोन करके प्यार देते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल नया मॉडल है जी जी। 870 तो हमारा पुराना मॉडल है, 850 जो होंडा 12 HP है वो हमने नया मॉडल लॉन्च करा है। 870 के अंदर अभी हमने यहाँ पे जो है डीजल इंजन लेके आए हैं, इसमें पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है। अच्छा। और इसके अंदर जो है 3 फुट का रोटावेटर होता है, जुताई जो है बहुत ही बारीक करता है, प्लेन जुताई करता जाता है, मिट्टी चढ़ाने का सिस्टम लगा जाता है, वो रोटावेटर के पीछे भी लग जाता है, मैंने यहाँ पे लगा के दिखाया हुआ है। अच्छा। देख सकते हैं जी कि ये पीछे लगाने का जो है हमने यहाँ पे डीजल लगाया है, जो जुताई के साथ साथ पीछे साथ साथ में जो है वो मिट्टी वगैरह भी साथ में किसानों को चढ़ाता रहता है। अच्छा। तो ये जो है काफी बढ़िया जो है गन्ने के हल्दी के फार्मर है उनके लिए काम आता है। अच्छा। और हमारे मशीनें जो है वो सेल्फ स्टार्ट के इंजन में उपलब्ध है, 5 गियर है, 3 आगे 2 रिवर्स। अच्छा। और 4x4 डिफरेंशियल भी है इसके अंदर, वाइब्रेशन बिल्कुल ही खत्म है, जिन किसानों को दिया है वो बहुत ही खुश है। अच्छा। और बहुत ही बढ़िया जो है उनका काम हो रहा है। आपने जैसे बताया ये आपका जो है 870 जो है, तो ये कितना पेट्रोल से चलने वाली है, डीजल से चलती है, कितना लेती है? अभी जो हम यहाँ लेके आए हैं वो डीजल वाला मॉडल लेके आए हैं, इसमें पेट्रोल वाला भी उपलब्ध है जी। डीजल ये 1 घंटे का 1 लीटर लेती है। अच्छा। और जैसे कि आपने बताया कि अभी 850 हमारा न्यू मॉडल है, इसमें आपने 870 के मुकाबले, 840 के मुकाबले इसमें अलग बदलाव क्या किए हैं इस मॉडल में? 850 मॉडल जो है उसमें होंडा का 12 HP का हमारा इंजन लगा हुआ है, GS390। सेल्फ स्टार्ट और रीसी स्टार्ट दोनों ऑप्शन इसके अंदर उपलब्ध है जी। साथ में इसके 3 फुट का रोटावेटर हमने दिया है, जिसको कम करके आप 1.5 फुट तक चला सकते हो, मतलब 1.5, 2, 2.5, 3 सभी ऑप्शन इसमें उपलब्ध है। अच्छा। और जो है ये हैंडल घुमाने की सुविधा इसके अंदर जो है वो रखी हुई है जी जी जी, एडजस्टेबल हैंडल इसके अंदर दे रखा है हमने, और ये भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसकी जो हमने क्या नाम है 2 साल की होंडा की तरफ से गारंटी आती है, और 1 साल की गियर बॉक्स भी रहती है। जुताई में बहुत बढ़िया मजा आता है, मिट्टी चुनाना भी बहुत बढ़िया आता है, ट्रॉली वगैरह भी कर जाता है, और गेहूं का धान कटाई का रीपर भी इसके साथ में जो है वो जुड़ जाता है। अच्छा, मतलब कि जैसे गेहूं कटाई आ रही है इस समय, तो इसमें जो रीपर हम अटैचमेंट कर सकते हैं जी। अभी रीपर अटैचमेंट लगा के आपने दिखाना चाहूंगा किसान भाइयों को, वो साइड में हमने रखा हुआ है, तो आप किसान देख भी सकते हैं कि वो रीपर जो है हमने वहां पे लगाया हुआ है, तो साइड पे लगा के रखा हुआ है, जिसमें आपको किसान को दिख जाएगा कि बैक रोटरी में जो है हमने रीपर जो है वो जोड़ा हुआ है। अच्छा सर, जैसे कि बिल्कुल ये तो आपकी सेम ही जैसे कि बैक रोटरी है,
तो आपने बिल्कुल इसमें रीपर बहुत अटैचमेंट बहुत शानदार जी जी आप देख सकते हैं कि हैंडल कैसे हमने इसका घुमा दिया है, हैंडल घुमा के जो है इसके अंदर हमने रीपर जोड़ा हुआ है। अच्छा अभी ये 840 के ऊपर लगा हुआ है, ये 50, 60 और 70 पे भी लग सकता है। अच्छा। 3 फुट का ये जो है रीपर है, 4 फुट का रीपर भी इसमें उपलब्ध है, डबल जो है डिवाइडर वाला, मतलब नीचे भी फिरकी ऊपर भी फिरकी वाला, जिसमें आप छोटा धान गेहूं मेंटा डबल का ये मकसद रहता है जी कि जो छोटी फसलें हैं जैसे कि सोयाबीन की मेंथे की या चने की या जो मतलब फसल 1-1.5 फुट के अंदर आती है तो इसकी भी कटिंग हो जाए, और बड़ी फसलें जैसे कि गेहूं मक्का धान या बाजरा वगैरह है जिसकी 7 फुट तक की हाइट है तो वो भी फसल जो है कट के एक तरफ गिर जाए। अच्छा आगे सर जैसे कि हम ये आप फोर व्हील ड्राइव इसके बारे में बताइए। ये हमारा पावर टिलर कम ट्रैक्टर बनाया है हमने, फोर अच्छा। व्हील जो स्वराज कोड के बेसिस के ऊपर है। अच्छा। इसके अंदर 10 HP का इंजन दिया गया है, पीछे 5 हल दिए गए हैं। अच्छा। रोटावेटर इसके आगे 4.5 फुट का लग जाता है जी। 2 आगे के गियर है, 1 पीछे का गियर है। पावर स्टीयरिंग हमने इसके अंदर जो है वो दिया गया है, बिल्कुल अंदर हमने पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर वाली गद्दी दे रखी है। तो स्वराज कोड काम करेगा वही जी, काम जी, ये जी, आपने कर दिया इसके जी, अंदर जी, जी, और कीमत बहुत कम रखी है जी। स्वराज कोड तो आजकल डेट में 2.5 लाख के आसपास मैजी रोटावेटर जी जी, और ये जो है हम रोटावेटर और कल्टीवेटर दोनों के सहित जो है मात्र 1 लाख रुपए में किसानों को दे रहे हैं। अच्छा अच्छा और सर जैसे कि आपके बड़े बेहतरीन ये जो तो काफी किसान भाई ने पसंद करते हैं पावर वीटर को जो है इसके बारे में बताइए सर। सर ये जसन जानका जी आप भी आए थे, हमने आपके चैनल पे विशेष में ऑफर भी दिया था 2 साल का जी। तो ये जो है हमारा SP 2200 मॉडल है जिसमें लाइट भी दे रखी है, आगे पहिया भी दे रखा है, टायर भी दे रखा है, चौड़े टायर दिए गए हैं आगे जी। और बड़ा गियर बॉक्स दिया गया है 2 लीटर वाला। ये तो मुझे लग रहा है इनबिल्ट है हेडलाइट जी, इनबिल्ट हेडलाइट इसके अंदर दे रखी है और तेल वाला एयर क्लीनर है, सूखे वाला नहीं है। अच्छा रोटरी कितनी बड़ी लगेगी सर? रोटरी इसके साथ हमने 4.25 फुट की 32 ब्लेड की रोटरी इसके अंदर हमने दे रखी है। अच्छा और 3 गियर है, 2 आगे 1 पीछे की तरफ इसके अंदर जो है वो गियर दिया गया है। अच्छा लंबा हैंडल दिया हुआ है। इसका प्राइस किसान भाइयों के क्या मिलेगा सर? सर ये जो है हमारा जैसे नए साल का ऑफर इसके ऊपर चल रहा है तो ये 50,000 का मिल रहा है जिसके अंदर हम रोटावेटर कल्टीवेटर और वो रीजर जो नाली बना के मिट्टी लगाता है। अच्छा, तो ये कल्टीवेटर बड़ा शानदार है जी, ये हमारा रिज 3 है जी, जी। ये कल्टीवेटर का रिज 3 है, मतलब ये क्या करता है कि ये छोटी छोटी मेड भी बनाता जाता है, नाली अच्छा। बनाता जाता है, इसमें आप बुआई वगैरह जैसे आलू की बेड बनानी है, मूली की छोटी बनानी है, मिर्च की जी, वो भी बना सकते हैं जी। और वो वाला जो है हमारा रीजर लगा हुआ है पीले वाला। सर जी आप जो अटैचमेंट आप देते हो वो मुझे कंपनी में किसी में मिलती नहीं, मजबूत अटैचमेंट रखते हो आप जी, 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 ये अटैचमेंट हम देख सकते हैं कि ये रीजर जो है ये हम जो है बनाते हैं जी, पूरा सही सिस्टम बना के देते हैं जी। ये रीजर आप इतना 2 फुट तक खोल के आप मिट्टी लगाना है, आपको बेड बनाने हैं, आपको पानी के खाल बनाने हैं चौड़े, वो भी आप बना सकते हो जी। और अगर आपको जैसे कि क्या नाम है मिट्टी एक इसका एक तरफ का पंखा भी खोल जाता है। अच्छा। तो आपको एक तरफ मिट्टी लगानी है वो भी लग जाएगी। इसमें ये कितने HP का आई है अपना जो है? ये मॉडल हमारा 7 HP होंडा के अंदर उपलब्ध है जिसके अच्छा। अंदर ISI GX 200 इंच लगा हुआ है जी। 2 साल की कंपनी इसकी गारंटी लेती है, ऑल ओवर इंडिया फ्री होम डिलीवरी इसकी देती है, मात्र 62,000। अच्छा और सर पीछे भी काफी मुझे लग रहा है जैसे मेरे किसान भाई समय गन्ने के जो सीजन आता है और फसलों की ये आपको मुझे लग रहा है बूम स्प्रे पंप है क्या? ये हमारा स्प्रे मैन का राजस्थान एग्रो इंजीनियर्स का बूम स्प्रेयर है। अच्छा। इसके अंदर 600 लीटर का टैंक लगा हुआ है, 40 फुट का बूम दिया गया है जी। और डिस्ट्रीब्यूटर भी साथ में दिया गया है। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है कि जब ये लिफ्ट के ऊपर काम करता है किसान भाई ट्रैक्टर के लिफ्ट पे चलता है तो लिफ्ट पे लगा के ये डिस्ट्रीब्यूटर ड्राइवर के हाथ में आता है, तो सारा बूम चलाना है, सारा बूम बंद करना है, प्रेशर कम करना है, बढ़ाना है, पानी जहाँ से दाया बूम ऑन करना है, बाया ऑन करना है या पानी भरना है, वो सब चीजें इसके अंदर उपलब्ध है। 40 फुट का पीछे बूम है जिसमें 24 नोजलें लगी हुई हैं जी। और पानी भरने का खाल में से वो भी इसके अंदर सिस्टम है, 10 लीटर की टंकी है साथ में जो साफ पानी की हमने दे रखी है। कितनी दूरी जाएगी एक साथ जो है? 40 फुट दूरी लेके जाता है। इसकी मेन जो खासियत है वो इसका नीचे का दिया हुआ डायाफ्राम पंप है। अच्छा। जो पंप इसके अंदर है हमने लगाया हुआ है और इसका बूम है, बूम जो है हमने स्प्रिंग लोडेड बूम दे रखा है। अच्छा। डबल स्प्रिंग ताकि अगर आपका खंबा वगैरह भी आता है तो ये अपने आप इकट्ठा होकर वापिस अपने आप से जो है वो खुल जाता है। मैं बताना चाहूंगा किसान भाई हमारा स्टॉल लगाने का मकसद यही होता है ताकि आप किसानों को भरोसा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आई है तो निरंका जी आपने भी जैसे देखा है तो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो छोटे किसानों के ऊपर फोकस रखा होता है और हमारी कंपनी फ्रॉड भी नहीं है, जेन्युइन है, ताकि किसानों को भरोसा हो कि भाई कंपनी इतना खर्चा करके आई है तो कंपनी जेन्युइन है, कोई फ्रॉड करने नहीं आई है। आते हैं आपके पास जी जी, इतने सारे लोग हमें मिलते हैं, दूसरे भी निर्माता मिलते हैं तो इन सबसे यही साबित होता है कि कंपनी जो जेन्युइन है, किसान का पैसा कहीं भागने वाला नहीं है और कंपनी भी कहीं जाने वाली नहीं है। तो किसान भाइयों आपको एक बात और हर्ष भाई ने बताई, मैं भी आपको समझा दूं कि जो मेलों के अंदर जो कंपनियां आती हैं वो ब्रांडेड होती हैं और
स्प्रेमैन कंपनी लगातार 36 सालों से काम कर रही है और बढ़िया काम करती है, किसानों के साथ जुड़कर काम करती है और सब्सिडी में भी अप्रूव है। इस कंपनी पर आप विश्वास कर सकते हो, इनका एक एक प्रोडक्ट आपको जो है रिसर्च करने के बाद भी आपको मिलता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।